वेलकम बैक टू दुबई इन्फोटेक चैनल। दुबई में अगर आप लोग विजिट वीजा के ऊपर है तो माल्टा का वर्क परमिट कैसे मिल सकता है या उसके लिए आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये क्वेश्चन मुझे सबसे ज्यादा व्यूअर्स ने पूछा। कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जहां पे मैंने आपको बताया था यहाँ दुबई के अंदर कुछ वॉक इन इंटरव्यूज हो रहे थे माल्टा की जॉब्स के लिए, सारी डिटेल्स मैंने आपको दी थी। उसके ऊपर मुझे डिफरेंट मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने काफी ज्यादा क्वेश्चन किए। जो सबसे ज्यादा चीज पूछ रहे थे सारे लोग वो ये पूछ रहे थे कि हमको कैसे पता चलेगा कि ये वॉक इन जो इंटरव्यूज हो रहे होते हैं माल्टा के लिए ये कहां पे हो रहे होते हैं और कब हो रहे होते हैं। और सेकंड के ऊपर जो मेरे व्यूअर्स इंडिया से हैं और स्पेशली नेपाल से हैं, उन्होंने ये पूछा जी कि अगर हम लोग यहां पे विजिट वीज़ा के ऊपर आते हैं, हम लोग विजिट वीज़ा के ऊपर हैं तो क्या हम लोग एलिजिबल होते हैं इन वॉक इन इंटरव्यूज़ में जाने के लिए माल्टा के लिए, या हमें माल्टा का वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं या नहीं होते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही सारी डिटेल दूंगा। और इसके अलावा अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं जी कि वो कौन कौन सी जॉब्स होती है जिसके लिए जो माल्टा के लिए यहाँ से हायरिंग हो रही होती है, जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज के लिए हायरिंग हो रही होती है, तो उसकी सारी डिटेल तो मैंने ऑलरेडी कल की वीडियो में दे दी थी, वो मैं रिपीट नहीं करूँगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका अभी लिंक मैं ऊपर आई बटन में भी डाल दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप इसके बाद वो देख सकते हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि वो कौन कौन सी जॉब्स होती है जिसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं यहां से दुबई के अंदर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज क्लियर कर दूं कि जो लोग भी यहां पे विजिट वीजा के ऊपर आए होते हैं वो जब इंटरव्यूज के लिए जा रहे होते हैं, जो भी माल्टा के इंटरव्यूज हो रहे होते हैं, तो उनको जो कंपनीज है वो एंटरटेन नहीं करती है, मीन उनको वो एक्सेप्ट नहीं करती है, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं जिनके पास यहां पे रेजिडेंसी वीजा होता है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल, बहुत सारे व्यूअर्स ये पूछ रहे थे जी कि अगर हमारे पास एक्सपीरियंस है बैक होम का, जो भी क्लीनिंग का है या जो भी किसी और चीज़ का है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे रेजिडेंसी नहीं है, तो जो मैंने देखा है, जो मैंने पूछा है बहुत सारे लोगों से जिनके वीजे लगे हैं, उनसे यही सारी डिटेल मिली है जी कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों को आगे इंटरव्यू के लिए लेते हैं या उनकी जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है जिनके पास ऑलरेडी यहाँ का रेजिडेंस वीज़ा होता है। और वो भी नहीं कि आप यहाँ पे आए रेजिडेंस वीज़ा के ऊपर आपने एक दो महीने काम किया और उसके बाद डायरेक्टली आप लोग चले गए इंटरव्यूज़ के लिए, कम अज़ कम भी डेढ़ दो साल का जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस होता है इसके बाद वो सारी शॉर्ट लिस्टिंग होती है। तीन फेज़ में ये सारी शॉर्ट लिस्टिंग होती है। एक तो आपको वीज़ा कैटेगरी बिल्कुल सेम होनी चाहिए, अगर आप लोग हाउसकीपिंग की जा रहे हैं, वेटर्स के लिए जा रहे हैं, किसी और के लिए जा रहे हैं, तो आपकी वीज़ा कैटेगरी भी सेम होनी चाहिए। सेकेंडली आप लोगों के पास उसका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और थर्ड जैसा मैंने आपको बताया कि रेजिडेंसी होनी चाहिए आप लोगों के पास। तो ये सारा कुछ क्वेश्चन था, क्योंकि इसके अलावा भी मैंने कहा बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये हम लोग कैसे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। जो भी इसके अलावा डिटेल है, अगर आपके अलावा जो भी फुल डिटेल वीडियो है उसका लिंक अभी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अभी आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखा दूंगा कि कौन कौन सी वैकेंसीज के लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा हायरिंग होती है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, तो डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं या मुझे ईमेल के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।